हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो हमारे पास डेंसेस प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी जो रियल नंबर्स जो प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर से रिलेटेड वो क्या होती है। वो हमारे पास थ्योरम है, बिटवीन टू रियल नंबर्स देयर लाइज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। यानी कि अगर दो रेशनल नंबर्स हैं तो हम उन दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। उसके लिए फर्स्ट लेट एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, वाई बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स ग्रेटर देन जीरो है और एक्स बिलोंग्स टू, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है और वाई बिलोंग्स टू आर है। फ्रेंड्स, टू रियल नंबर्स हमने क्या, बिटवीन टू रियल नंबर्स, यानी कोई दो रियल नंबर होंगे वो जरूर नहीं है रैशनल हो, इरेशनल हो सकता है एक रैशनल हो एक रैशनल हो, और हर कंडीशन में हमारे पास उसके रैशनल और इरेशनल के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। तो लेट एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स लेस देन इक्वल टू वाई एंड वाई बिलोंग्स टू आर देन। तो उस कंडीशन में वाई माइनस एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है। नाउ बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होती है फ्रेंड्स, अगर वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो उसके लिए एक नेचुरल नंबर, यानी कि हर नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर के लिए अगर ये कोई नंबर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो हर नेचुरल नंबर के लिए, अगर कोई वाई दूसरा नेचुरल नंबर है तो उसके लिए कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर इस तरह से मिल जाएगा कि वाई जो होगा वो लेस देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू एन एक्स, या लिख सकते हैं एन एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। ये प्रॉपर्टी से हमारे पास एक नंबर हमने वाई ले लिया, वाई को हमने एज ए वन ले लिया, तो क्यू एक इंटीजर सच दैट इस तरह एग्जिस्ट कर जाएगा क्यू डॉट वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन वन। चूँकि एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो जो इम्प्लाई कर रहा है क्यू एक्स आल्सो ग्रेटर देन जीरो, सो बाई थ्योरम ऑफ, यह थ्योरम जो थी वो हमारे पास थी, फॉर एनी रियल नंबर एक्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर सच दैट एन माइनस एक्स लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू वन। ये फ्रेंड्स प्रॉपर्टी हमने जस्ट इस वीडियो से पहले पढ़ी थी कि हर रियल नंबर एक्स के लिए एक इंटीजर हमारे पास ऐसे मिल जाएगा कि वो इंटीजर हर रियल नंबर के लिए हमारे पास ऐसा मिल जाएगा कि वो जो रियल नंबर होगा कोई दो इंटीजर के बीच एग्जिस्ट करेगा। यानी कोई रियल नंबर है आर, वो एक तो या तो एन के बीच में और एन माइनस एन प्लस वन इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ एन माइनस वन लिख लो या एन लिख लो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो दो नेचुरल नंबर्स के बीच में, दो इंटीजर के बीच में एग्जिस्ट करेगा। इस प्रॉपर्टी से हमने क्या है, देयर एग्जिस्ट है पी, कोई पी बिलोंग्स एग्जिस्ट करेगा कि पी माइनस वन लेस देन इक्वल टू क्यू एक्स लेस देन इक्वल टू पी। इसको हमने क्वेश्चन सेकंड दे दिया। नाउ बाय फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड सेम फ्रेंड्स, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, जो वन है वो लेस देन इक्वल टू क्यू वाई माइनस एक्स है, वन लेस देन इक्वल टू क्यू वाई माइनस एक्स। अब हमने क्यू का क्या किया है, अंदर मल्टीप्लाई किया है, और सेकंड प्रॉपर्टी से क्या होता है फ्रेंड्स हमारे पास, ये हमारे पास पी माइनस वन लेस देन इक्वल टू क्यू एक्स, सेकंड प्रॉपर्टी से ये हो गया पी माइनस वन लेस देन इक्वल टू क्यू एक्स। यानी इसका ये पार्ट ले लिया और इसको हमने उल्टा करके लिख दिया है, यानी वन लेस देन इक्वल टू क्यू वाई माइनस एक्स यहाँ से लिख दिया है। अब हमने ऐड किया है दोनों को, ऑन एडिंग वन प्लस पी माइनस पी, यानी इसका हमने ये पार्ट, यानी एक ही तरफ के पार्ट ऐड किए फ्रेंड्स, लेस देन इक्वल टू को साइन है तो हमने लेस देन वाला ऐड किया है, ये नहीं हमने लेस देन का और ग्रेटर देन वाला ऐड किया है, मतलब सेम साइन है तो उस कंडीशन में हमने इसको ऐड किया है। तो वन प्लस पी माइनस वन इनको ऐड किया है और लेस देन इक्वल टू क्यू वाई माइनस एक्स प्लस क्यू एक्स, इम्प्लाई कर गया पी लेस देन इक्वल टू क्यू वाई, तो पी लेस देन इक्वल टू क्यू वाई, ये इसको हमने इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया। अब नाउ बाई सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड से क्या कह सकते हैं, क्यू एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल टू पी यहाँ से हम कहेंगे और लेस देन इक्वल टू पी वाई, क्योंकि यहाँ से हम क्या कहा था फ्रेंड्स, हमने पी लेस देन इक्वल टू क्यू एक्स यहाँ से, और यहाँ से हम कह सकते हैं क्यू वाई, ये हो गया क्यू एक्स लेस देन इक्वल टू पी लेस देन इक्वल टू पी वाई। तो यहाँ से हमने क्या किया फ्रेंड्स, दोनों तरफ हमने q से डिवाइड कर लिया, तो q से डिवाइड किया तो x लेस देन इक्वल टू पी अपॉन क्यू लेस देन इक्वल टू वाई, और x और y जहाँ पे क्या थे हमारे पास रियल नंबर्स थे, सो आर रैशनल नंबर r, r को रैशनल नंबर क्या होता है, कोई भी रियल नंबर जो कि p अपॉन q के बीच फॉर्म में लिखा जा सकता है वो एग्जिस्ट कर गए सच दैट x लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू वाई, यानी r जो है वो p अपॉन q की फॉर्म में है, रैशनल नंबर्स है। अगेन हमने सेकंड केस लिया है, लेट x लेस देन इक्वल टू जीरो, अगर x लेस देन इक्वल टू जीरो है उस कंडीशन में माइनस एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा,
सो अगेन बाय एबव थ्योरम, अगेन बाय एबव थ्योरम कहते हैं फॉर एनी रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर एन सच दैट एन माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एन। तो उसी उसी थ्योरम से हमने एक लिया है। सो अगेन बाय रैशनल एन माइनस वन लेस देन इक्वल टू माइनस एन, सॉरी माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू एन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स, यहाँ से इस टर्म में हम कह सकते हैं एन प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जो नंबर है इससे बड़ा है तो उस कंडीशन एन प्लस एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि ये एन है फ्रेंड्स और ये एक्स है, ये बड़ा है तो एन प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और वैसे भी हमारे पास एक्स जो है वो पॉजिटिव है। एंड एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, जो एक्स है वो वाई से छोटा है, इम्प्लाई कर गया एन प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू एन प्लस वाई। सो एन प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू एस लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो इम्प्लाई ये यहाँ से इम्प्लाई कर गए एन लेस देन इक्वल टू एस माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। ये फिर से एस यहाँ से हमने इस प्रॉपर्टी से लिया है कि एक एग्जिस्ट करेगा एस। सो एस माइनस एक्स अगेन है रैशनल नंबर, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एस माइनस एक्स जो होगा वो अगेन रैशनल नंबर होगा। बाई एवम मेथड वी फाइंड, जो हमने फर्स्ट में स्टार्टिंग में निकाला था उसी मेथड से एक्स बिलोंग्स टू आर वन लेस देन इक्वल टू वाई एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स लेस देन आर टू लेस देन वाई। सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉर इनफाइनाइट नंबर के लिए भी हम ये सॉल्व कर सकते हैं।